काशीपुर पहुंचने पर बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल सिंह का कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बूथ कमेटियों को मजबूत करना उनका प्रथम लक्ष्य है। मुरादाबाद रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन को मजबूत करने को लेकर काठगोदाम सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें संगठन के सभी कमेटियों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में ब्लॉक विधानसभा बूथ समेत सभी कमेटियों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही कार्यकर्ताओं की भी राय ली जाएगी, ताकि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में हाथी पहाड़ चढ़ेगा और उत्तराखंड में बिना बसपा के कोई भी दल सरकार नहीं बना पाएगा। जो कुमाऊं मंडल का दौरा आज है, ये तो बहुजन समाज पार्टी का माननीय बहन जी ने मुझे तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं माननीय बहन जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा होगा, मैं उनका सिपाही हूँ। और मैं आज अपने साथियों से, मेरे जो जिले के पदाधिकारी हैं, मेरे सीनियर साथी भी आ रहे हैं, तो जिला कमेटी, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, इन कमेटियों पर हम चर्चा करेंगे और बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूती की ओर ले जाए, अपना बूथ जीते। और 14 जो 24 का चुनाव है लोकसभा का, उसमें हम अच्छी तैयारी के साथ, पहाड़ पर हाथी दिखना चाहिए, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उस पर चर्चा की। आपने एक चीज़ बताई कि आप तीसरी बार जो है विभाजित बनाए हुए हैं, मैं इस तरीके से इसको देखता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के कुछ साथी, जो जिम्मेदार साथी माननीय बहन जी जिनको लगाती हैं, उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं कि वो थोड़ा पूर्ण रूप से सक्रिय होकर के काम ना करें, परंतु बहुजन समाज पार्टी का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो बराबर रहता है, वो कहीं खिसक सकता नहीं है। मैं मान सकता हूं कि उत्तराखंड में हमारे 6 विधायक रहे, 8 विधायक रहे, 4 विधायक रहे, ये तो राजनीति का एक परिदृश्य है, ये चलता रहता है। पर मुझे जिम्मेदारी मिली है तीसरी बार, पहले कम समय जिम्मेदारी मिली थी, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा बूथ पे काम करने का, सेक्टर पे काम करने का, विधानसभा में काम करने का, जिलों में काम करने का, लोकसभा में काम करने का, पूरा अपने साथियों को भी और जितने जिम्मेदार साथी हैं उनको भी लगा करके संगठन में काम करूंगा, मजबूती मिले। आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि इतना ताकतवर हो? हाथी तो इतना ताकतवर है कि उत्तराखंड के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे हम लोग बहुजन समाज पार्टी के संगठन पे कि जो हम चाहें तो सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ऐसा हुआ है उत्तराखंड में, हमारे 4 विधायक थे, 6 सुरेंद्र राकेश जी कैबिनेट मंत्री थे, हमारे बगैर सरकार नहीं बनी, आपको पता है, हिला दिया था। पर हम जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके दम पर, मैं गारंटी से कहता हूँ, बहन जी ने मुझे 1 साल पहले का समय दिया और अब तो काफ़ी चुनाव है, परंतु तैयारी के साथ पूरी मैदान में उतरेंगे और टीम भी हमारे साथ अच्छे, जैसे जिला अध्यक्ष है, महासचिव बनाए गए हमारे भाई गौतम जी, विनोद गौतम जी, हम सब मिल करके बांट के काम करेंगे। उत्तराखंड जो अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए, कहीं भी कोई गलत काम हो रहा तो उस पर, वो तो सरकार का नियंत्रण है, परंतु सरकार को ये भी देखना चाहिए ना कि तुम विकास क्या कर रहे हो। इस सरकार में जो कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे थे, ये भी भ्रष्टाचार में पूरी डूबी हुई है भाई, चाहे आरक्षण का मामला हो, कह चीज का मामला हो, बलडोजर भी ज़्यादातर अगर वैसी संपत्ति पर छोड़ दो, अगर वैसे भी चलेगा तो गरीब लोगों के उस पर बलडोजर चलेगा। इनके यहाँ जो माफिया है वो पूरा तरीके से, चाहे वो अवैध निर्माण इनका, इसका जो खनन का हो, कोई दिक्कत थोड़ा ही होगी। लेकिन हरीश रावत तो उनका मामला है, हरीश रावत जी क्या कहते हैं और धामी क्या कहते हैं। हमारा माननीय बहन जी ने हमें आदेश दिया है कि आप जाइए उत्तराखंड के अंदर और संगठन को मजबूत करिए और मजबूत करके आगे लोकसभा की तैयारी में लग जाइए, और उससे पहले नगर पालिका है, नगर निगम है, उनकी तैयारी हमें करनी है, क्योंकि ये जो शहर का वोट होता है ना, हमें इसको कंट्रोल करके, भाईचारा बना करके वहाँ स्थिति को करना।